कि जैसा आप सभी को पता है कि पुष्कर थाना पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में लगातार कार्रवाई करते हुए कल दिनांक को पुष्कर थाना पुलिस द्वारा दो मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मादक पदार्थ की कार्रवाई इस प्रकार है कि मुलजिम बसंत सिंह, जो कि अवैध रूप से गांजा पीते हुए पकड़ा गया था, उसको गिरफ्तार किया है। और दूसरा है मुलजिम इंद्र सिंह रावत है, तिलोरा का, पुष्कर का ही रहने वाला है। इससे 758 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसको अरेस्ट किया है। उससे अनुसंधान किया जा रहा है कि कहां से वो लाया था, किस तरीके से। देखिए, इसको बसंत सिंह को हमने ओम बिटुक पेट्रोल पंप है, जो कि देवरा रोड पर है, वहां से किया था। और इंद्र सिंह को रेलवे लाइन, रेलवे फाटक के पास घनाइडा से। देखिए, जैसा कि आपकी सभी की जानकारी में है कि पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली फेस्टिवल का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व में ही दो दिन से जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके अलावा आज दो दिन और आज और कल का एक विशेष प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने विशेष ट्रैफिक की व्यवस्था की है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था में जो मेला मैदान के आसपास है, वो फोर व्हीलर्स की एंट्री हमने बंद की है, ताकि किसी तरीके की किसी आमजन को असुविधा नहीं हो। और हमारा सभी आमजन से भी ये संदेश है कि उस जो हमने ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की हैं, उनमें अपना सहयोग पूर्ण प्रदान करें। इसके अलावा जो घाटों की पवित्रता को लेकर के हमने विशेष इंतजाम किए हैं, इस बार हमने तीन शिफ्ट में राउंड द क्लॉक पुलिस कॉन्स्टेबल्स की होमगार्ड्स की ड्यूटी वहाँ आयोजित की है, और वहाँ राउंड द क्लॉक वो ड्यूटी देंगे। और ऐसी किसी भी जो धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जो आचरण करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे। कितने का जब्ता लगा सर? देखिए, लगभग 500 पुलिसकर्मी इसमें डिप्यूट किए हैं। इसके अलावा होमगार्ड्स का डाप्ता भी है, और आरएसी की बटालियंस भी इस तरह से लगाई।